उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती 2015-16 में रिक्त सीटों के लिए संघर्ष कर रहे उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पॉइंट से छटे हुए सभी भावी सिपाहियों को जय। मित्रों, दिनांक 20 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को अपना डेट अनलिस्टेड में सीरियल नंबर 5 पे लगा हुआ था कोर्ट नंबर 36 जस्टिस महेश्वर त्रिपाठी कोर्ट। लगभग 80 केस फेस किए थे और लिस्ट में लगभग भी 70 या 72 केस लगा हुआ था और 5 केस अनलिस्टेड में थे। सुबह फ्रेश का केस सुनवाई प्रारंभ हुआ, लगभग 12 बजे तक फ्रेश 12:30 बजे तक चला। उसके बाद लिस्ट में मेंशन चला, पर्सनल बहस चला, उसके बाद फिर टॉप 10 चला। लगभग 4:15 बज गया जैसे इसके पहले हुआ था। हमारे अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद थे, खरी साहब भी, त्रिवेदी जी भी, सीमांत जी भी सीरियल नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। हमारे जितने भी अधिवक्ता हायर किए गए हैं सब मौजूद थे कोर्ट में। समय के अभाव के कारण, क्योंकि 4 बज गया था, कोर्ट उठने का समय हो गया था और अपना केस फाइनल होने में लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटा रेगुलर बहस चलेगा, तब जाके केस अपना फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा और डिसाइड होगा। हम लोग के लिए तीसरा कोई मौका नहीं था क्योंकि 3 दिन से अनलिस्टेड में डेली केस लगवाया जा रहा है, लेकिन समय के अभाव के कारण फ्रेश केसेस ज्यादा आ रहा है, कहीं लिस्ट ज्यादा आ जा रहा है, क्योंकि उस कोर्ट में अंडर 10 की जितने भी लिस्ट लगते हैं वो सबसे प्रमुख माना जाता है और उसका सुनवाई कन्फर्म होता है फ्रेश के बाद। इसलिए हम लोग रणनीति बनाए, अपने अधिवक्ता से रिक्वेस्ट किया गया कि अनलिस्टेड से अपना केस लिस्ट में करवाइए। फिर ऑप्शन दिया गया 26 फरवरी का, तो 26 फरवरी का लिस्ट बन चुका था, इसलिए मजबूरन 26 फरवरी को अपना केस नहीं लग सकता लिस्ट में और 27 या 28 में अनलिस्टेड लग जाता और फिर यही आके होता कि बहस नहीं हो पाता और पास ओवर हो जाता। तो फिर दूसरा ऑप्शन हम लोगों के लिए 4 मार्च, क्योंकि उस दिन बुध है और अंडर 10 में रहेगा, सिर्फ लिस्ट और अनलिस्टेड चलता है, सबसे पहले लिस्ट चलता है। तो अंडर 10 में 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 10 के अंदर अपना सीरियल नंबर रहेगा और सुबह से ही लिस्ट चलता है, उस दिन फ्रेश केस का सुनवाई नहीं होता है और हम लोगों का लगभग 10 से लेकर 11 बजे के बीच में ही टेकअप हो जाएगा, या तो जज साहब कोर्ट में बैठेंगे। तो अब देखिए, हम आप एक संघर्ष करते हैं, आशा करते हैं, कोशिश करते हैं, जजमेंट अपने हाथ में होता तो कब का बहस करवा के ले लिया गया होता। और हम पहले से आपको अवगत करा चुके हैं, जब तो आप न्यायालय का शरण लिए हो तो सब रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। सत परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। आपने देखा होगा कभी कभी आया है, एक एक दो दो तीन तीन महीना तक हम लोगों का टेकअप नहीं हो पाया और तब हम एक आशा में लड़ते थे कि इतनी वैकेंसी रिक्त है, लेकिन अब ये मामला क्लियर हो गया है कि 3528 सीटें वैकेंट हैं। अब वो अफवाह है, भर्ती बोर्ड की गलत मानसिकता है जो चलेगा नहीं। कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। 23/1/2019 को अपना वैकेंसी क्लोज होता है और वो शो कर रहे हैं कि 30/10/2018 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। बिना वैकेंसी क्लोज हुए कैसे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? तमाम हमारे भाई बहुत परेशान है। तो आप परेशान ना रहिए, अगला विपक्षी तो अपना पक्ष रखेगा भाई, वो तो बहुत पहले कहते थे सीटें नहीं खाली है।
सीटें खाली निकला, तो ऐसे कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग भी बहुत बड़े बड़े अधिवक्ता किए हैं, वो भले वो भी अधिवक्ता कर रहे हैं, कोशिश जारी है, तो हर आदमी कोशिश करता है। जब तो उनके जगह पे आप लोग भी होते तो आप लोग भी करते। इसको लेके आप परेशान ना रहिए। रही बात दो तीन दिन से बात नहीं हो पाया, तो इसको लेके आप परेशान ना रहिए, जज्बाती ना बनिए। जज्बाती जेल बॉर्डर के भाई बन चुके हैं, उनको परिणाम मिल चुका है। एक बार सिंगल बेंच से डिसमिस हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, कुछ पाए नहीं। ग्राउंड मजबूत करना जरूरी है, और बहस हो तो जजमेंट अपने पक्ष में आवे। ये नहीं है कि दो मिनट में आपका बहस खत्म हो जाएगा, ये बहस लगभग डेढ़ से दो घंटा या तीन घंटा भी चल सकता है। तब जाके आपका केस डिस्पोज होगा, कुछ डिसीजन अपने पक्ष में आएगा। आप बहस नहीं हुआ, तमाम किस्म का एलिगेशन लगाते हो, तमाम किस्म का कमेंटबाजी शुरू कर देते हो। हम भी चाहते तो 27-28 में डेट लगवा लेते, अनलिस्टेड में पास ओवर होके लग जाता एक सप्ताह बाद। लेकिन लगने का मतलब यह नहीं होता है कि लग जाए, कोटा पूरा हो जाए। लगने का मतलब होता है बहस हो, और बहस हो तो अपने पक्ष में जजमेंट आवे, ये कोशिश करना जरूरी है। सिर्फ बहस करवाने से आपको फायदा नहीं मिल सकता है। तो सिर्फ बहस करवाने से फायदा मिलता है तो आज सीटें भर्ती बोर्ड से नहीं निकाल पाते हैं। तो थोड़ा संयम रखिए। हमें पता है कि सब भाइयों को बहुत आस है, और इस बेरोजगारी में समय कटता नहीं है किसी का। दिन रात आप इंतजार करते होंगे कि आज बहस होगा, आज कुछ होगा, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को कद्र करता हूं। लेकिन मैं यहां बैठा नहीं हूं। सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट में रहा जाता है, पानी तक नहीं पिया जाता है। और हमारे अधिवक्ता भी जितने हायर किए गए हैं, महान अधिवक्ता खरे साहब हैं, लेकिन वो भी जब भी बुलाया जाता है, जब भी नंबर आ जाता है, कोर्ट में तुरंत आ जाते हैं। अब इससे ज्यादा क्या मैं बता सकता हूं। लेकिन अब जज को तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ हमारा ही केस चलाओ। नियम होता है, चलो टेकअप नहीं हुआ, या हुआ तो दो मिनट बाद हुआ, ऑर्डर लोड हो गया है, आपने देखा होगा, अनलिस्टेड से लिस्ट में करवा दिया गया कि लिस्ट उस दिन टेकअप होगा, 100% बहस होगा, एक तगड़ा बहस होगा। क्योंकि भर्ती बोर्ड कमजोर नहीं है, वो बैठा नहीं है, वो भी रणनीति पे रणनीति, उनके जैसे हम लोग जाते हैं कोर्ट पे, जहां हम बेंच पे बैठते हैं, उनके एसपी, एडिशनल एसपी, कई सीओ, कई पैरोकार आके वहीं बैठते हैं। जितना हम परेशान हैं, उतने वो भी हैं, वो भी चाहते हैं बहस हो, लेकिन नहीं हो पाता है, समय नहीं मिलता है। काफी फ्रेश केस लग जाते हैं, काफी लिस्ट लग जाते हैं, अनलिस्टेड नहीं चलता है, तो इसको लेके आप परेशान हो जाते हो। थोड़ा धैर्य रखिए, और जैसे आज तक विश्वास किए हैं वैसे आप विश्वास रखिए, गलत काम नहीं होगा। काफी हमारे भाई फोन किए कि जनरल का सीट रह गया है, ओबीसी का सीट नहीं है। ये बहुत बुरा लगता है कि गलत फहमी और ये अफवाह उड़ाया जाता है। उसमें एक लड़का किसी एक जांच व्यक्ति का एब्सेंट नहीं हुआ था। हर कटगरी के लड़के एब्सेंट हुए थे, हर कटगरी के लड़के मेडिकल अनफिट हुए थे, हर कटगरी के लड़कों का जो गड़बड़ मार्कशीट था उनका उम्मीदवारी निरस्त किया गया था। तो इसमें सारे कटगरी का, हमें बस जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसको ये सिद्ध कर देना है कि ये आप कर सकते हैं, और ये हम आसानी से कर ले जाएंगे, हमारे अधिवक्ता कर ले जाएंगे। इसके लिए निश्चित रहिए। और ये आप जानते हैं कि सिर्फ 2015 का ही भविष्य टिका है इसमें 2018 से लेके कई भर्तियों का इसपे 26813 अभी 2018 पे भविष्य टिका है। जब तो ये केस जीता तो आने वाले समय में सारे अभ्यर्थी नॉट ज्वाइनिंग के सीट पाते जाएंगे, और जब तो ये नहीं जीता तो भूल जाइए कई जन्मों तक कि कोई नॉट ज्वाइनिंग का सीट पाएगा। तो अपने लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए केस लड़ा जा रहा है, और इस पे हमारे भी अधिवक्ता एकदम तैयार हैं
चाहे वो खरे साहब हो, चाहे वो त्रिवेदी जी हो, चाहे वो सीमान सिंह जी हो, चाहे विजय गौतम और भी तमाम अधिवक्ता हमारे में रीड कनेक्ट कराए हैं, सब एक्टिव हैं। तो आप लोग परेशान ना रहिए। मैं मानता हूँ कि 10 से 12 दिन समय बिताना मुश्किल होगा, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आज जजमेंट आ जाएगा, लेकिन मेरे बस में नहीं था मेरे भाई। नहीं तो आज जो बस में था वो हमने लास्ट में जाते जाते जज साहब को वहाँ 2 मिनट बहस करवा के अंडर 10 में अपना सीरियल नंबर जगह बना लिया। हम लोग जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है कि सबका हटवा के अपना ही 2-3 घंटा बात करवा ले। एक रूल होता है, वो तहत कार्य करना होता है। अब जज को इंटरफेयर नहीं कर सकते, जितना हो सकता है वो हमारे अधिवक्ता करवा लिए और सोच विचार के करवाए हैं। 4 तारीख को डेट फिक्स है, वो ऑर्डर कॉपी में लोड करवा दिया गया है, ऑर्डर भी आ गया, चाहे 2 ही मिनट बात हुआ लेकिन हुआ। हम लोग अंत तक समय तक वहाँ लगे रहे कि हमारा बहस हो, कुछ ना कुछ जजमेंट लोड हो, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं हो पाया ज्यादा। तो आप लोग परेशान ना रहिए, कोई समस्या नहीं है। जैसे इतना दिन 4-5 साल आप बिताए हैं, ऐसे कुछ दिन बिता लीजिए। देखिए जैसे जेल बाड़ के भाई काफी जज बादी हुए थे, फाइनल बहस यशवंत वर्मा जी की यहाँ करवा लिए, क्या हुआ, क्या मिला, का वो पैसा नहीं कमाए? तमाम लोग भर्तियों में रीड किए आज तक 2015 में, क्या मिला? तो ऐसे जैसे अभी तक सब रखे, हमें मानता हूँ कष्ट होता है, दुख होता है, और अफवाहों से दूर रहिए। देखिए जो भी बात होता है सच्चाई आप लोगों को बता दिया जाता है। जब तो सीटों को लेकर कोई समस्या होता तो बता दिया जाता, इसलिए हर एक कास्ट का सीट है। लड़कियों का 266 की सीट था, उनको बता दिया गया। अब ये बता पाना कि जनरल की कितनी सीटें हैं, ओबीसी भाई का कितना है, एससी एसटी, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि लगभग 1200 से 1300 सीट तो ओबीसी का होगा ही, और जनरल का लगभग जो हम आशा करते हैं 1400 सीट जो या 1200 सीट होगा जनरल का, 400-500 सीट एससी भाइयों का होगा, एसटी भी भाइयों का 300-400 सीट होगा, तो सबका सीट है। इसको लेके आप परेशान, लेकिन ये कंफर्म बता पाना मुश्किल है कि किस कैटेगरी का कितना सीट है खाली। और कभी भी कैरी फॉरवर्ड होता है तो आधा सीटें नहीं कैरी फॉरवर्ड होता है, पूरी सीटें होता है। और ये वही भर्ती बोर्ड गलती कर दिए कि ये आधा इधर दिखा रहे हैं आधा उधर। तो ये देखिए अगला आदमी है अपना पक्ष रखेगा, तो उस पक्ष को लेके आप परेशान ना रहिए। काउंटर वो दे दिए हैं, एक जबरदस्त रातों रात जाके रिज्वाइंडर तैयार करके दाखिल करवा दिया गया था। ये तो हमें फाइनल बहस का चिंता ना होता तो पूरी रात जाके रिज्वाइंडर उसी दिन हमने दाखिल सुबह करवा दिया है। वो ऑर्डर में नोट है, आप पढ़ लीजिए। सिर्फ हमको 24 घंटा का समय दिए, 24 घंटे के अंदर रिज्वाइंडर दाखिल करवा के लगभग 70 पेज का हमने दाखिल करवा दिया। जितना हो सकता है उतना प्रयास में चूका नहीं जाता है, लेकिन अब जज हमारे बस में नहीं है कि सिर्फ हम उनसे कह दें कि सिर्फ हमारा ही केस देखो। जब तो ये बस में होता तो करवा लेते। देखिए अफवाहों से दूर रहिए। 3528 वैकेंसी है, इसमें हर कैटेगरी का है। 4 तारीख को बहुत सोच समझ के हमारे सीनियर अधिवक्ता के राय से 4 मार्च का डेट डिसाइड किया गया। दिन बुधवार रहेगा, उस दिन सिर्फ लिस्ट अनलिस्टेड चलता है। सबसे पहले लिस्ट चालू होता है, हो सकता है 2-3 नंबर पे रहे, नहीं तो 10 नंबर के अंदर रहना तय है। तो आप इसको लेके आप परेशान ना रहिए, और उस दिन बहस होगा, जरूर एक जजमेंट लोड होगा। आगे जो भी जानकारी होगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सीट कंफर्म है, बस एक बहस का हमारा हम दूर हैं। एक बहस हो जाए लगभग 1.5 से 2 घंटा का, दिशा और दशा उसी दिन तय हो जाएगा। तो आप लोग परेशान ना रहिए, आगे जो भी बात होगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। बहस आज भी हुआ है, लेकिन 1 से 2 मिनट का हुआ। जय हिंद, जय भारत।
तो हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और बेल आइकन ना प्रेस किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन प्रेस होता है उससे अगर आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी भर्ती आती है या फिर कोई भी न्यूज़ आती है भर्ती संबंधित, तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस किए हैं तो आप जरूर पाएंगे न्यूज़। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।